नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार मिटाने का एक संकल्प लेकर बैठी हो और जनता को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए जुटी हो, पर सरकार के जिम्मेदार अफसर सरकार की नीति और मंशा में परीता लगाने में लगे हुए हैं। मामला बड़ा है और उस जगह का है जहां पूरी सरकार ही खुद बैठती है। जी हां, लखनऊ का और विभाग है लखनऊ नगर निगम, जहां फैजुल्लागंज में नाला निर्माण के दौरान मिट्टी का घोटाला सामने आया है। करीब 8.5 किलोमीटर लंबा नाला बनाने के लिए खुदाई कर निकाली गई 1.58 करोड़ रुपए की 45,000 घन मीटर मिट्टी गायब, यानी 1,000 डंपर मिट्टी कहां गई किसी को नहीं पता। आपको विस्तार से बता दें कि सीतापुर रोड और आईआईएम रोड के बीच करीब 9 किलोमीटर के दायरे में गोमती किनारे बसे फैजुल्लागंज के 4 वार्डों में जल निकासी का इंतजाम नहीं था। ऐसे में यहां हमेशा जल भराव की समस्या बनी रहती है। वहीं बारिश के दिनों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते थे, जिसको देखते हुए 44 करोड़ रुपए की लागत से नाला बनाने का काम 1 साल पहले शुरू किया गया। इसके दायरे में आईआईएम रोड से होते हुए सेमरा मधुबन बिहार से हरिओम नगर छोटी खदान ककौली गौर भीट घैला रोड पेट्रोल पंप हनुमत नगर द्वितीय दुर्गापुरी दाऊदनगर 60 फीट रोड का इलाका आता है। नाला बनाने के लिए यहां से 2 से 2.5 मीटर गहराई और 2 मीटर चौड़ाई में खुदाई की गई। जानकारों के मुताबिक इसमें 45,000 घन मीटर मिट्टी निकली होगी। खास बात तो यह है कि मिट्टी कहाँ गई किसी को पता नहीं। हैरानी की बात यह भी है कि 1 साल से नाले का काम चल रहा है, पर इंजीनियरों की ओर से कभी यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि खुदाई में निकल रही मिट्टी आकर जा कहां रही है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं खेल में नगर निगम के इंजीनियरों की भी मिली भगत है। सी न्यूज भारत की टीम जब इस जगह पर पहुंची तो वहां के लोगों द्वारा खुलकर भ्रष्टाचार का आरोप नगर निगम और ठेकेदार के ऊपर लगाया गया। फैजुल्लागंज के पूर्व पार्षद जगलाल का आरोप है कि नाले की खुदाई में निकली सारी मिट्टी ठेकेदार ने बेच डाली। इस समय पटाई में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी बहुत महंगी है, फिर भी नगर निगम ने इतनी बड़ी लापरवाही की। उसे ये मिट्टी उन कॉलोनियों में डलवानी चाहिए थी जहां सड़क न होने से पानी भरता है। हमने जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार मांग की कि निकल रही सैकड़ों डंपर मिट्टी में से कुछ मिट्टी सरकारी स्कूल और कुछ जहां पानी भरता है वहां डलवा दें तो कुछ जनता का भी भला हो जाएगा, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासियों की माने तो फैजुल्लागंज और आईआईएम रोड पर तेजी से मकान बन रहे हैं। अब बता दें कि इलाका गोमती से लगा हुआ है और खेतों बागों में प्लांटिंग की गई है। ऐसे में ज्यादा भराव करना पड़ रहा है, इस कारण नाला की खुदाई से निकली मिट्टी को बेचने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और ये मिट्टी आसानी से बिक गई। अब सुनते हैं वहां के स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है। क्या मामला है और यहां पर मिट्टी की चोरी के आरोप भी लग रहे हैं, आपने आरोप भी लगाए हैं, ये भी कहा गया है कि यहां पर लापरवाही हो रही है, एक लड़की की मौत भी हो गई, पूरा मामला क्या है? देखिए, हम लोगों ने जब यहाँ मिट्टी खोदने लगे तो हम लोग पूरा प्रयास किए, यहाँ मिट्टी नाले बनाने के लिए खोद रहे तो हम लोगों ने कहा जिस जगह पे नीची जमीन है वहाँ डाला जाए, कम से कम नीचा एरिया या फिर स्कूल के पास सरकारी जमीन है वहाँ आप पाट दीजिए। इन लोगों ने डंप लगाया, उसके बाद मिट्टी कहाँ गायब हुई उसका पता लगाया। कितनी मिट्टी थी वो? अब मिट्टी यहाँ कम से कम यहाँ से वहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं कि 1,000 डंपर होगा भाई, 1,000 डंपर मिट्टी का यहाँ है, कोई एक मिट्टी थोड़े है। उसके बाद देखिए, ये हमारे चचा हैं रघुवीर यादव जी, इन्होंने खूब प्रयास किया रोकने के लिए, कम से कम इनकी 12 दुकानें, हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन है। आप ये समझ लीजिए इतना अन्याय हुआ, ये सतीश यादव की 3 दुकान तोड़ दी गई हैं। यहाँ पे बोरिंग थी और समझ लीजिए लोग पानी पीते थे, वो सारा तोड़ दिया गया। और इतना तक जब हम लोगों ने कहा तो आपने बुला के बिल्कुल धमकाए, कम से कम जो है नाला कैसा बन रहा है, नाले जो नाला जो है उल्टा सीधा देख लीजिए, कहीं पे ऊंचा हो रहा है कहीं पे नीचा हो रहा है, जैसे जिसकी मर्जी चल रही उस हिसाब से जो है। मानक अनुसार है कुछ नहीं, मानक अनुसार इसलिए मानक अनुसार नहीं, आप देखिए कहीं ऊंचा कर दिए और कहीं नीचा कर रहे हैं, कहीं कहीं जो है तड़क के लोग जा नहीं पा रहे हैं। कम से कम 500 दुकानें यहाँ से वहाँ तक इन्होंने इतना ऊंचा कर दिया कि लोग जाने आने की इतनी समस्या है कि लोगों को समझ लीजिए भुखमरी का गाड़ा पहुँच जाएगा। भाई किसान आदमी के पास जो जमीन है उसके बाद और क्या उसके बाद व्यवस्था है, आप बताइए। आपने यहाँ पर मिट्टी का आरोप लगाया है, मिट्टी यहाँ चोरी हो गई है, आपको लगता है पूरी तरह यहाँ मिट्टी उठाई गई है, देखिए डाली गई? अरे आप मेरी बात ना माने, लोगों से पूछ ले भाई मिट्टी भाई कहाँ चली गई, अब मिट्टी तो हम लोगों की है। कम से कम आप देख लीजिए, ये देखिए कितना गड्ढा पड़ा है, लोग जो है बिल्डिंग गिरने का कगाड़ पे है। ये मेरी है, ये हमारे चचा है, देखिए कम से कम 20-15 दुकानें इधर से रहे, उधर कमरा पूरा तोड़ के रख दिए। आप बताइए इनके पास कोई जगह जमीन नहीं, क्या खाने की व्यवस्था है बताइए। और उसके साथ साथ जो किराएदार दुकानदार थे उनका भी सारा सामान चला गया। डंप लगाई जा रही थी,
अब वो आगे लगाए थे कोने पे, अब वो लोग ले जा रहे थे, अब कहाँ डंप लगाए, अब इसने ही वो दौद नगर चौराहे के पास जो है, हाँ वहाँ मिट्टी अब उन्होंने लगाया। अब ये पूछे और वहाँ लोगों से पूछे भाई कहाँ गई, अब हम लोग क्या जान सकते हैं, हम लोग तो अपने आवाज़ उठाए जब वहाँ नहीं सुनी जा रही हम लोगों की, तो हम लोग तो समस्या में परेशान हुए। हजारों डंपर गायब हो गई है और इतनी लोग लेके गए, और आप मान लीजिए जिसे लोग यहाँ से इतना कमर भर जाते, आज भी मेरे इलाके में निचली जमीन है वहाँ डालने कोशिश नहीं किया, स्कूल में बच्चे पढ़ते कम से कम यहाँ पे डाल देते, जो है लोग यहाँ आने जाने में दिक्कत है, तो अपनी मनमानी कर रहे हैं भाई। इसलिए देखिए कहीं कहीं लोग यहाँ इस दुकानों में कम से कम 500 दुकानें हैं, लोगों ने भुखमरी कगाड़ में जो लोग किराए लिए हैं, अब कहाँ जाएं बताइए, दो महीने नहीं कम से कम 6 महीने नाला बन रहा, आज का कोई वही नहीं है ये बनाने का। अब देखिए मेरे यहाँ एक लापरवाही में एक लड़का ख़त्म हो गया, अब उस गरीब का कोई लड़का वापस कर देगा, कोई बैरी कटिंग नहीं थी, आप देखिए किस हिसाब से हो रहा। वो कहते लोग तो डरवाते, हम लोगों ने बोलने की कोशिश किया तो ना उसमें जो है उसमें मुकदमा लिखा दिए कि अनजान आदमी, बताइए कोई आदमी आवाज़ उठाएगा तो उसमें मुकदमा लिखा जाए कि जो है दबा के कि सरकारी काम में बाधा, तो इसलिए आदमी इसलिए जो है आदमी भाई दब जाता है और डर जाता है आदमी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम। अब आप पूछिए किसी जगह इतना ऊंचा हो गया, अब ये मेरे गांव की पुलिया है देख लीजिए, ये निकलने लायक नहीं है, हम लोगों ने जो भी मिट्टी डाल के लाए कम से कम इतनी नीचे कर दिए, आगे वाली इतनी ऊंची कर दिए, तो ये है मानकहीन है, मानकहीन भाई मानक। आप देखिए मानक अनुसार आप ना DPR मांगी, अब आप बताइए नाला यहाँ पर जा रहा था सरकारी यहाँ से, इन लोगों ने कहा कि हमने कहा कम से कम ये तो कर दीजिए कि लेबिन के हिसाब तो बनाइए, इतने दुकानदार हैं इतने किसान हैं तो भाई लेबिन के हिसाब तो बनना चाहिए, आप लेबिन ऊंचा कर दिए, कहीं पे 3 फुट है कहीं 4 फुट है, लेबिन के हिसाब बनाइए ना कम से कम, लोग पब्लिक जात चलती है। और लोगों से पूछ लेता हूं जी, नाले को लेकर कोई नाला बनना है क्या बोलेंगे यहाँ पर, बराबर से बनना चाहिए, बराबर से बनना चाहिए भैया, और लोग बोला मिट्टी भी चोरी हो गई यहाँ पर, मिट्टी तो सब उठा ले गए, सब उठा ले गए, हाँ मिट्टी जितना खुदाई हुई सब तो ले गया ट्रक में लोड करके, हाईवे सब पता नहीं कहाँ गई है, अब ये कौन इसके पीछे कौन भागे, कौन भागेगा, मिट्टी गायब हो गई, मिट्टी सब नाले की गई, ठेकेदार के कब्जे में, ठेकेदार के कब्जे में है, मिट्टी को कुछ बोलेंगे आप, मिट्टी जो है यहाँ खोदी गई कुछ जानकारी, 500 डंपर गायब हुई सब रातों रात, सब गायब हो गए डंपर, 500 एक डंपर ने बहुत डंपर गायब, बहुत डंपर गए, हाँ बने हो गायब हो गए, सब गायब हो गए, मिट्टी सब खत्म, सब बिक गए रात रात बिक गई, अब यहीं रहते हैं, हाँ यहीं रहने वाले, मिट्टी की बात लेके चल रही है, मिट्टी नदी से आ रही है, नाला खुदते भाई मिट्टी लाखन डंपर यहाँ से गायब हुई, तनिक नहीं गए भाई है, अच्छा वहाँ नोकड़ा लगा रहे थे हम, मोती झील पानी भरा है वहाँ पे डंप लगा के रात में सब सप्लाई भर रही है, कौन सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ठेकेदार मुंशी मैनेजर सब उनके हैं, और कौन है, अच्छा अधिकारी रोका नहीं, कोई नहीं रोका, पुलिस अधिकारी सब उसके हैं, हाँ जो अगर हम लोग बोल भी रहे आवाज उठा रहे हैं तो तड़ाक से पुलिस भी पहुँच रही है, आपसे क्या लेना देना है, हाँ पूरी पुलिस के दम पर नाला खुदा है, ठेकेदार तो हाई है, और सब घर मानी मन मानी चले, दीपावली वाले दिन चढ़ाएगा लड़का एक, अब आज नहा से भी रास्ता से गई है, तनिक देर में बहुत मतला बस आ गया पुलिस, आ गया 100-150 पुलिस लेकर डंडा चावे ला गया है, यहाँ कोई आदमी भीड़ भक्कन मत लगाइए, ये कोई तरीका होता है, अगला आदमी गिरा है नाले में कोई आवाज उठा रहा तो उसके ऊपर पुलिस हावी हो रही। वही जब अब इसके लिए लखनऊ नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच चल रही है, वैसे मिट्टी के स्टैक लगाकर संरक्षित कर लिया गया है और बाद में इसका उपयोग किया जाएगा, पर वो सैकड़ों डंपर मिट्टी के स्टैक यानी पहाड़ कहाँ है वो जगह वो नहीं बता पाए। बाकी ये भी कहा गया कि कुछ मिट्टी अगर चोरी हो गई है तो उसका हिसाब ठेकेदार से लिया जाएगा, अभी उनका भुगतान बाकी है, वैसे मामला तो सब सामने ही है और सबको पता भी है कि मिट्टी बेचकर जमकर बनरबाट हुआ है, पर अभी भी सिर्फ लीपापोती जारी है और अब जिम्मेदारों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। फजल्लागंज में 8 किलोमीटर नाले का निर्माण वहां पर हो रहा है, वहां पर जानकारी वहां के स्थानीय निवासी बोल रहे हैं कि नाले का जो निर्माण है वो मानक विहीन हो रहा है, कई जगह ऊपर नीचे कर दिया गया है, बहुत ही ख़राब गुणवत्ता के जो मटेरियल है उसका उपयोग किया गया है, साथ ही साथ जो मिट्टी निकली है हजारों डंपर मिट्टी निकलने का और वहाँ पर मिट्टी बेचने का आरोप वहाँ के स्थानीय निवासी लगा रहे हैं, और उनका ये भी कहना है जब हमसे उनसे कहा गया रोका गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे जो करना है कर लो, इस तरह के आरोप वहाँ पर लोगों ने लगाए, क्या बोलेंगे। नहीं इसमें एक जून 3 से नाला बन रहा है, मेरी एक्सचेंज से बात हुई है तो उसने पूरी स्थिति बताई है एक्सएन ने कि ये जो 8 किलोमीटर का नाला बन रहा है इसमें जो खुदाई हुई है
तो जितने क्यूबिक मीटर खुदाई हुई है उसकी काफ़ी पार्ट तो उसका बैकफिलिंग में गया है, करीब 25% 30% जाता है, हमेशा ज़्यादा चौड़ा खुदता है। बाकी उसकी मिट्टी जो है, चूँकि सड़क के किनारे और नाले के बीच में जो है, जो पटरी नीची थी वहाँ फिलिंग में उसने यूज किया है, मौके पे विद्यमान है। और 3 जगह मिट्टी स्टैक है जो कि हम अभी अपने यूज में उसको कार्ड कराएंगे। तो चूँकि जो जहाँ मिट्टी स्टैक की है, सड़क पे तो स्टैक नहीं कर सकते थे, किसी वहीं बगल में कुछ जगहों पर स्टैक है। 3 पॉइंट बताए हैं एक्सएन ने, और जो उनसे जो जानकारी मिली है कि 3 जगह मिट्टी स्टैक है और पूरा मिट्टी का लोकल जो का है 2-4-5% इधर उधर हो गई हो। जैसे किस खुदाई होती है तो किसी घर के अंदर गड्ढा है तो सामने मिट्टी पड़ी है तो अपना भर लेता है, इस तरह के इशू छोटे मोटे हो सकते हैं 2-4-5% के। बाकी सारी मिट्टी का पूरा रिकॉर्ड है और फाइल में भी रिकॉर्ड है और पूरे उसके कंटूर और लेवल सब जो है कंसर्न फाइल में लगे हुए हैं। तो ऐसा जो है ना, जो मतलब जो इसका जो आरोप लगाया, आरोप क्या जो बात कही जा रही है उसमें सत्यता प्रतीत नहीं हो रही है। बाकी और विस्तृत जो है इवेल्युएशन भी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि संज्ञानित मुझे भी हुआ है तो इसमें। लेकिन प्राइमी फेसिया ऐसा लग रहा है कि ये इसमें ऐसा कुछ मिट्टी का इशू है नहीं, क्योंकि मिट्टी जो है शहरी क्षेत्र में कोई इतना मैसिव मिट्टी ले जाएगा तो दिखेगा। हजारों घन मीटर मिट्टी थी और मिट्टी वहीं पे 3 जगह स्टैक है, वो मिट्टी चूंकि सड़क पे नहीं हो सकती, कोई देखने जाता है तो सड़क देख के चला जाता है, चूँकि सड़क का जो है पे तो मिट्टी नहीं स्टैक कर सकते हैं। वहीं आसपास की जगहों पर स्टैक है जो कि अपने निगम के अभी कामों में उसको उपयोग किया जाएगा, उसकी पूरी बैलेंसिंग होगी। ठेकेदार का अंतिम भुगतान तभी किया जाएगा जब पूरा मिट्टी का एक एक क्यूबिक मीटर का हिसाब किताब हो जाएगा। अभी ठेकेदार का जो है बहुत सा जो है पेमेंट बाकी है, तो ऐसा नहीं कि मिट्टी हाँ रात बिरात थोड़ा किसी ने 1-2 डंपर उठा लिया हो तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इवन ठेकेदार का मटेरियल तक रात बिरात चोरी हो जाता है तो थोड़ी बहुत मिट्टी कोई ले गया हो तो नहीं कह सकते, बाकी मिट्टी की टोटल बैलेंसिंग है और ठेकेदार का अंतिम भुगतान मिट्टी का पूरा हिसाब मिलाने के बाद ही किया जाएगा। स्टैकिंग वाली जगह वहाँ कंसर्न जोन के एक्सचेंज के पास पूरा डिटेल है, तो वहाँ कोई जाएगा देख भी सकता है और उसके वीडियो फोटो भी हैं। एक मिट्टी का मामला चल रहा है कि एक नाला खोदा गया और वहाँ से करोड़ों की मिट्टी निकाली गई है और मिट्टी कहाँ गई इसे पता नहीं है और जवाब नहीं आ पा रहे हैं, क्या मानती है इसमें काम कोई? मैंने अखबार में पढ़ा था और मैंने इस विषय में तुरंत आदेश कर दिया, मैं जांच कराऊंगी और जिसने भी ये गलती की उसको पनिश करूँगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।